आपने सुना किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के द्वारा इस गिरफ्तारी की निंदा की गई है, कैसे रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया, हमें टारगेट किया गया, इसकी निंदा की गई है। नवभारत के रिपोर्टर भावना किशोर के साथ लुधियाना में जो सलूक किया गया, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, इस देश की बेटियों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। ये बयान भी आपको सुनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भावना हमारे देश की बेटी है, वो सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये रॉन्ग है, गलत है और हम सबको उसका साथ देना चाहिए। भावना दीदी ने बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करी है, पर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। मैं भावना दीदी के साथ हूँ। बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा पजेसिव है, तो आप लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी उनके साथ बहुत सपोर्ट में हूँ और आगे भी रहूंगी। मुझे लगता है कि भावना अच्छी रिपोर्टर है, उनके साथ ऐसा होना अच्छा नहीं है। हम सब उनके साथ है, ये देश की लड़कियां सब उनके साथ है। बहुत नाराज है तो ये इसलिए, भावना है तो अच्छा रिपोर्टर है, उनका ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनका साथ है, पूरा देश पूरा उनका साथ रहते। तो ये बयान क्या सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, ये सुना अपने देश की बेटियों को, क्या उन्होंने कहा है भावना को लेकर, और किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है। दो रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी शर्मा दिल्ली से जुड़ी हैं, कुंदन हमही हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिवानी, मैं आपके पास आता हूं। देश की बेटियों के बयान हमने सुनवाए किस तरीके से, जो गिरफ्तारी कल गिरफ्तारी भावना की हुई, कल जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली, उसके बाद देश की बेटियों ने क्या कुछ कहा, और आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थी, कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अजय माकन ने भी कहा कि हमारी सरकार थी तभी टाइम टाउन ने खबरें दिखाई, लेकिन इस तरीके से कभी टारगेट नहीं किया गया, निंदा की उन्होंने। बिल्कुल राकेश, देखिए पूरे देश की बेटियां एकजुट हो चुकी हैं, बहुत नाराज हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और पंजाब की पुलिस से जिस तरह से बदला लिया गया यहां पर, सच दिखाने की यह सजा मिली और एक झूठा केस यहां पर प्लांट कर दिया गया और एक सोची समझी साजिश यहां लुधियाना में रची गई आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पर है। और पूरे देश ने इसे देखा, पूरे देश की बेटियों ने इसे देखा और पूरे देश की बेटियां ये कह रही हैं कि हम भावना के साथ हैं, हम साहस के साथ हैं, हम सत्य के साथ, हम टाइम्स नाउ नव भारत के साथ हैं। और आपने सुना होगा अजय माकन से जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बहुत ही गलत हुआ है। टाइम्स नाउ को उन्होंने बधाई दी, टाइम्स नाउ नव भारत को उन्होंने बधाई देते हुए ये कहा कि देखिए आपके रिपोर्टर को सजा मिली है सच दिखाने की, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लगातार हम खुलासे करते आए, उस वक्त भी जब कांग्रेस की सरकार थी कई खुलासों का यहां पर उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा इस तरह का बर्ताव हमने नहीं किया। तो जो टाइम्स नाउ नव भारत ने ऑपरेशन शीश महल करके आईना दिखाया पूरे देश को, आज कांग्रेस की भी मजबूरी बन गई कि अब उस घोटाले पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और उन्होंने यह भी कहा कि यह महज 45 करोड़ का नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्यों? क्योंकि अपने शीश महल के साथ साथ जो मकान उन्होंने खाली करवाए और उनके एवज में 21 फ्लैट वहां कॉमनवेल्थ विलेज गेम्स जो विलेज है वहां पर खरीदे, हर फ्लैट 6 करोड़ का था, तो उस राशि को भी काउंट करना चाहिए। तो ये सरासर घोटाला है और घोटाले के साथ साथ जो हमारे रिपोर्टर के साथ बर्ताव किया गया है। बिल्कुल ठीक है शिवानी, और अजय माकन ने सिलसिलेवार तरीके से काफी सारी बातें कही है, उन पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। कुंदन, हमने जो पड़ताल की, हमने जो सच देश के सामने रखा और हमने जो सवाल उठाए वो पुख्ता सबूतों के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर वो पूरी पड़ताल थी और उसे हमने देश के सामने रखा था। और यही वजह है कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, देश के लोग खड़े हैं टाइम्स नाउ और भारत की इस मुहिम के साथ, भावना के साथ जो हुआ उसके खिलाफ। बिल्कुल, टाइम्स नाउ और भारत सत्य है, साहस के साथ खड़ा है और दावे के साथ खड़ा है। मैं आपको बताऊं कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे उस रिपोर्ट को और हमारी स्टोरी को सराहा, हम उनका साधुवाद देते हैं, लेकिन हमने उम्मीद से नहीं किया था कि हमें कोई सराहेगा। हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है और उस जवाबदेही के अंतर्गत जो भी हो सका हमने किया और हम करते रहेंगे, हमने श्योर किया है। लेकिन जिस तरीके से, जिस निचले स्तर पर उतर के और जिस राजनीतिक तरीके से हमारी रिपोर्टर्स, हमारी कलीग को फंसाया गया, ये अपने आप में देश
पेश देखा और कोर्ट ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब ये मामला हाई कोर्ट में गया है और इस मामले पे आगे बहस होगी तो इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस को उन अधिकारियों पे भी गाज गिरनी तय है कि आप किसी राजनीतिक द्वेष से और अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में जाते हैं, भावना मुझे लगता है कि भावना का लुधियाना में शायद पहली बार गई होगी, वो उत्तर प्रदेश के एक विशेष जिले से रहने वाली है, दिल्ली में आके काम करती है, नोएडा में रहती है और आप पहली बार जाते हैं और आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी अगर किसी से टक्कर होती भी है वो टक्कर हुई है या टक्कर मारी गई है, ये जांच का सवाल है। और मुझे लगता है कि आगे पड़ते और खुलेगी कि क्या वाकई वो टक्कर था। और इस तरह के रोडरेज की घटनाएं बहुत सामान्य है, बहुत साधारण सी घटना होती है और इसके बाद आरोप लगाया जाता है कि अंदर बैठे पैसेंजर न केवल उतरते हैं, मारपीट करते हैं, बल्कि जाति सूचक और खासकर विशेष जाति सूचक का नाम लेते हैं। बताइए क्या किसी महिला या किसी के शख्स, बिल्कुल ठीक बात है कुंदन, आपने जो एक लाइन कही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बतौर पत्रकार, बतौर बड़े मीडिया हाउस, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिपोर्टिंग निर्भीकता से करें और सच बिना डरे बिना झुके देश के सामने रखते रहें। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में गुस्सा है और सिर्फ उत्तर भारत की बात नहीं। आज मैं दिल्ली में थी, इंडिया गेट के पास थी, जहां पर दक्षिण भारत से महिलाएं आई हुई थी, लोग आए हुए थे अलग अलग जिलों से और उन्होंने ये बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने पर टाइम्स नाउ को टारगेट किया जा रहा है। यानी सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और सोशल हैंडल्स की जो हम बात कर रहे हैं वहां पर बेटियों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर ये कैसा एक्शन लिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने और लुधियाना की पुलिस आम आदमी पार्टी के इशारे पर किस तरह से एक पूरे फर्जी ऑपरेशन को प्लांट करती है। हमारी रिपोर्टर को फंसाया जाता है, उसको एक तरह से एबडक्ट कर लिया जाता है, हमारी ही गाड़ी में एक पुलिसकर्मी सवार होता है बिना किसी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के, उन्हें बिना बताए थाने ले जाया जाता है, फर्जी FIR लिखा दी जाती है और घंटों तक चैनल को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद किस तरह से आप देखिए धज्जियों पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून की और बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से यहां पर गिरफ्तारी की गई और कोर्ट ने लताड़ा भी है आम आदमी पार्टी की इस पूरी हरकत पर। उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कैसे एक महिला जो बाहर से आई है एक रिपोर्टिंग के टास्क को लेकर आई है, वो किसी को जानती नहीं है, कैसे वो जाति सूचक शब्द कह सकती है जब वो जाति जानती है ही उन महिलाओं की। और एक और बात आपको बताऊं, एक पूरा एजेंडा पूरा कैंपेन चलाया गया था आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्रियों द्वारा, आतिशी द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा जो सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और टारगेट किया जा रहा था हमारी रिपोर्टर को, उन सब को भी एक तमाचा पड़ा है जब कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। इस तल्ख टिप्पणी से साफ कर दिया है कोर्ट ने कि ये साजिश की जा रही है और अभी इंटरिम रिलीफ मिली है, इंटरिम बेल मिल गई है भावना को और रेगुलर बेल के लिए मंडे को यहां पर सुनवाई होगी हमारे VJ, हमारे ड्राइवर, उन सब के लिए। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहां पर रचा गया है और ये सारी जनता देख रही है कि किस तरह से सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपोज कर दिया टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने, पहले हमारे रिपोर्टर्स को अलग अलग जगह पर मारा पीटा जाता है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है और अब जब लुधियाना में भावना किशोर रिपोर्टिंग करने गई थी, अरविंद केजरीवाल का इवेंट था वहां पर इस तरह से पुलिस को षड्यंत्र में शामिल किया जाता है और पुलिस इस तरह का षड्यंत्र रचती है, तो तमाम सवाल है न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर, वहां के CM पर और वहां की पुलिस पर भी। और जब इस पूरे केस पर आगे चर्चा होगी कोर्ट में तो बहुत बड़े सवाल उठेंगे और जवाब देना पड़ेगा न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी और पुलिस को भी जवाब देना होगा। और जीत हमेशा की तरह सच की होगी, ऐसा हम लगातार निर्भीकता से रिपोर्टिंग करते आए हैं, हम लगातार इसे जारी भी रखेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवानी, जीत हमेशा सत्य की होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, इसीलिए थोड़ी परेशानी जरूर हुई लेकिन उसके बाद आप देखिए देश के लोगों का साथ किस तरीके से है और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जरूर लोगों की भावनाएं सुननी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने देश के एक हिस्से में बातचीत की, ऑपरेशन शीश महल में हमने साहब खुलासे किए तो लोगों के बीच गए कि इस खुलासे पर आप क्या कहते हैं।